नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव थपलियाल। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 1.2 करेंगे आईई इरोडोव का। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 1.1 कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 1.2 करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ पॉइंट ट्रांसवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी वी नॉट। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद टाइम वी वन फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी वी टू फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, ठीक है। कहाँ? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा है। मान लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 2D डिस्टेंस है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2D है। इस 2D में से भी हाफ डिस्टेंस मतलब D डिस्टेंस तक वो V नॉट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। कितने वेलोसिटी से? V नॉट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। अब जो बाकी बचा हुआ जो डिस्टेंस है उसमें क्या हो रहा है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद वेलोसिटी वी वन। कह रहा है कि जो रिमेनिंग पार्ट है डिस्टेंस का वो आधे टाइम तक तो वी वन वेलोसिटी से मूव कर रहा है और आधे टाइम तक वी टू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ध्यान से देखिए, आधे डिस्टेंस नहीं बोला है, टाइम बोला है कि आधे टाइम तक तो ये वी वन वेलोसिटी से मूव कर रहा है और आधे टाइम तक वी टू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि यहां से जब वो आगे जा रहा है तो किसी एक पॉइंट तक पहुंचने में उसे समय लग रहा है टी टाइम, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वन वेलोसिटी से। और जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसमें भी टी टाइम लग रहा है और वेलोसिटी कितनी है, वी टू। ध्यान रखिए ये वाला डिस्टेंसेस ये वाला और ये वाला बराबर नहीं है, खाली टाइम बराबर है, टाइम सेम ले रहा है उसमें, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं भाई, एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का जो डिस्टेंस है ये है 2D। कितना है? 2D। अच्छा, इसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो देखो यहां डिस्टेंस डी था और वेलोसिटी थी वी नॉट, तो इस वाले पार्ट में टाइम कितना लगेगा, डी बाई वी नॉट। पहले वाले पार्ट में डी बाई वी नॉट का टाइम लगा और बाकी बचे हुए में कितना है, टी प्लस 2T टाइम लगा। अब देखो इसमें देखने वाली बात यह है कि यहां पे हमने अपनी तरफ से दो चीजें दो टर्म्स माने थे, एक स्मॉल डी और एक कैपिटल डी। अब स्मॉल डी को और कैपिटल टी को ही हम हटाएंगे भी, क्यों? क्योंकि ये हमने माने हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आप अपनी मर्जी से कभी भी कोई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं किसी क्वेश्चन में तो लास्ट में आपका काम है उस टर्म को वहां से हटाने का। तो अब हम हटाएंगे, कैसे हटाते हैं, अब देखो क्या है, हमें पता है कि ये पॉइंट कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा हमें पता है कि यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है, डी डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। यहां से लेके यहां तक बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, डी डिस्टेंस है। कितना है, डी। अब हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालना है। अब देखो क्या, यहां से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, जरा नेमिंग कर देते हैं इसकी, ए बी सी डी। बी से लेके सी तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है, टी। किस वेलोसिटी से, वी वन वेलोसिटी से। सी से लेके डी तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है, टी। वेलोसिटी कौन सी है, वी टू वेलोसिटी से। अब देखो अगर मैं डिस्टेंस को इस टर्म्स में लिखूं ऐसे कि जो टोटल डिस्टेंस है डी वो दो भागों में है, पहला है V1 T प्लस V2 T,
मतलब ये वाला डिस्टेंस वी वन टी हो गया, ये वाला डिस्टेंस वी टू टी हो गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहां से टी कॉमन निकाल लेते हैं, बचता है वी वन प्लस वी टू और इधर डी, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी बाई वी वन प्लस वी टू। देखो हमने टी की वैल्यू निकाल ली है, अब टी की वैल्यू को उठा के इस जगह पे रख देंगे, तो आगे लिखते हैं इसको, क्या था वो था एवरेज वेलोसिटी, कितना था 2d अपॉन d बाई वी नॉट था, प्लस t की वैल्यू ये हो गई, साथ में 2t था, तो 2d अपॉन में वी वन प्लस वी टू। ठीक है, ये हो गया 2d, नीचे से d कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 बाई v0 प्लस 2 बाई v1 प्लस v2। ओके, डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल हो गया, अब क्या आएगा एवरेज 2 अपॉन, एलसीएम ले लेते हैं यहां पे, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, एलसीएम तो हो जाएगा v0 v1 प्लस v2, ये v1 प्लस v2 इधर मल्टीप्लाई होगा, साथ में v0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी ये पूरे टर्म को ऊपर ले जा लेंगे हम, और नीचे बसता क्या है v1 प्लस v2 प्लस 2v0। ठीक है, तो ये हो गई है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो होप सो आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम प्रॉब्लम नंबर 1.3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसी तरीके के आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।